Please welcome Riteish Deshmukh, beautiful Rakul Preet and Milap Zaveri. School mein tum popular group mein the ya nerdy group mein? Rejected group mein tha. Beta spelling ki spelling bolo? Spelling. Niche pad mera camera cover ho raha hai. Hey baby, tere naal ishq ho gaya. मिलाप को देख के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने दही हांडी खेला है रकुल कभी? नहीं, मैंने अटेंड किया है. मैंने खाया है. जी हाँ, मैं उकल नायक. छोड़ दे दीवानगी, मेरे होते हुए कभी कोई बैक बेंचर नहीं बन पाएगा. जो चौक की धूल में मैं पैदा हुआ हूं, उसके मुकद्दर में बैक बेंचर ही लिखा होता है. What do you mean? मैं बचपन से बैकबेंचर बनने की तैयारी कर रही हूँ. अगर आज मैं बैकबेंचर नहीं बनी ना, तो हाय, मैं मर जावा. खामोश! तुम लोग दोनों भूल रहे हो कि मैं फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ और इस क्लास का हेड बॉय भी. अब हैमिंग कम करो दोनों. बिहेव योरसेल्फ. तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा 30 मार्क है जो इसके लिए इतनी तालियां बजाई तुम लोगों ने? ओम शांति ओम, रिलैक्स. क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग रकुल. गुड मॉर्निंग. देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स डर के खड़े हो जाते हैं मेरे लिए. पहली बार मेरे स्कूल के अंदर कैंपस दिखा है. मुझे पता था मैं शो पे आके मैंने बहुत बड़ी गलती की है. I've realized it now. अभी देख तेरी क्या हालत होती है. नीचे बैठ, मेरा कैमरा कवर हो रहा है. ठीक है, मैं कुर्सी खींच लेता हूं. प्लीज टेक योर सीट्स. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल रकुल प्रीत एंड द और मैं बोलना चाहती हूँ मोर टैलेंटेड एंड मोर ब्यूटीफुल रितेश देशमुख एंड द मिलाप जवेरी. आज हमारे साथ है द टीम ऑफ मरजावा जो हमारे साथ खेलेंगे हमारे क्लास ऑफ 2019 बैक बेंचर्स के एडमिशन टेस्ट. तो एग्जाम शुरू करने से पहले मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि आप दोनों स्कूल में फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? मैं फ्रंट बेंचर होती थी. हाँ. कुछ टाइम के लिए. तो वो मेरी एक स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं फर्स्ट वन मंथ ऑफ द न्यू सेशन फ्रंट बेंचर व्हेन एवरीबॉडी नोज यू कि यू स्कोर वेल. और फिर धीरे 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 टुवर्ड्स द एंड आई यूज्ड टू बिकम द बैक बेंचर. ऐसा क्यों? कोएड स्कूल था. कोएड स्कूल था इसीलिए. बट ऐसा इसलिए था कि अच्छा इंप्रेशन बनने के बाद फिर देन हो ना कि आप मार्क्स ले आते हो. आप शुरू में ही बैक पे हो तो देन देयर आईज आर ऑलवेज ऑन यू. ये स्ट्रेटेजी यूज करने लायक है. हाँ. एक्चुअली फिफ्थ सिक्स सेवन तीन साल मैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ करता था उस वक्त. लेकिन एट्थ टू टेंथ मैं अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट या फर्स्ट थ्री में आया हूँ. ऐसा कैसे हो गया? मतलब वो बेंच की बात कर क्या किया? सडनली ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने क्या किया कि 8, 9, 10 में सारे जो 8 डिविजन के थे ना सब टॉपर्स को 8 डिविजन में डाल दिए. करेक्ट. ए बी सी डी सारे डफर्स को ई डिविजन में फर्स्ट आया था. तो अब हम शुरू करते हैं हमारा एडमिशन टेस्ट. तो ये बता दूं कि मेरे स्कूल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमें बिल्कुल ये तीन नहीं चाहिए. क्या बात है. ओके. हमें एंटरटेनमेंट चाहिए. जैसे आपकी फिल्म मरजावा मास एंटरटेनर है जी. वैसे लेवल का मास एंटरटेनमेंट और बहुत सारा मास. इट्स टाइम फॉर आवर फर्स्ट एडमिशन टेस्ट जो कि है ओरल टेस्ट. इसमें होंगे 5 सवाल और हर सवाल के होंगे 4 ऑप्शंस. सही जवाब पे आपको मिलेंगे 10 मार्क्स और रॉन्ग जवाब पे कोई मार्क्स नहीं काटूंगी मैं. Okay, let's go. राउंड 1 क्वेश्चन 1. हनी बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बरो, ऑप्शन बी आर्मी, ऑप्शन सी ग्रुपीज, ऑप्शन डी स्वॉर्म. मेरा तो आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब. ये क्या चीटिंग कर रही है? ये तो चीटिंग हो रही है यहाँ पे. मैंने इतने अच्छे से आंसर कर दिया, ये तो गलत बात है. रितेश, रितेश, ये है रितेश. ये I'll never cheat. I think I should get double points on सामने. और मैं से ऐसे हाई बोल रहा था. हाई लगे तुझे मेरी. ये
ये हेड बॉय है, अभी डेड बॉय होने वाला है जल्दी। अगर सो गया तो बैड बॉय भी हो जाऊंगा। वेल सेड बॉय। रकुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, स्वॉर्म इज द राइट आंसर। आपको मिलते हैं 10 marks। और भले आपने चीटिंग की हो लेकिन आपको भी 10 marks मिलते हैं। आपको क्या लगा बीज की क्या होगा? मैं थोड़ा इसका क्या होगा ग्रुपीज? पहला अक्षर बरो, बरो मुझे लगा। बरो तो रैबिट का होल होता है, मतलब जो होल में रैबिट घुसता है ये बरो इट इज। कहीं वो बरो में ग्रुपीज ना हो जाए। ग्रुपीज से याद आया, स्कूल में तुम पॉपुलर ग्रुप में थे या नर्डी ग्रुप में? मैं रिजेक्टेड ग्रुप में था यार, नर्डी भी नहीं था, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता था, और बस एक दो चार दोस्त थे। वो होता ना कि पार्टी हो रही है तो बचे हुए 4 sandwich खाने को मिलेंगे, ऐसा था। कौन से स्कूल, कहाँ पर था आपका स्कूल? जीडी सोमानी इन कफ परेड मुंबई। ओह साउथ बॉम्बे का स्कूल, क्या करूं। और आपके भी डैडी आर्मी में थे? हाँ जी, सो आई चेंज 10 schools, सो इन माई 10th standard में 10th school में थी। तो फिर फ्रेंड्स कैसे बनते थे? हर जगह बनते थे। तो यू आर द पॉपुलर गर्ल? आई वॉज अ पॉपुलर गर्ल, लेकिन दैट इज योर वे ऑफ लाइफ, क्योंकि बचपन से वो ही सीखा है कि एक एक दो दो साल में नए नए फ्रेंड्स बनाने हैं, सो आई थिंक उससे आप काफी फ्रेंडली हो जाते हो, इसीलिए हर एक साल में सिंगल रहती है। yeah. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रितेश ये क्वेश्चन आपके लिए है स्पेसिफिकली, आपको ये जानना चाहिए MLA का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नहीं चाहिए? और ऑप्शन आना चाहिए। पड़ेगा उनको। ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी मिनिस्टर ऑफ लिटिगेशन असेंबली। आपके 45 seconds शुरू होते हैं अब। मेरे घर में 2 है। आपको क्या लगता है ये सही आंसर है? मुझे सही लगता है। तो रितेश आपके डैड तो CM रह चुके हैं, वेरी रिनाउंड CM ऑफ महाराष्ट्र, आपको कभी नहीं लगा कि आप पॉलिटिक्स में जाएं? नहीं एक्चुअली, क्योंकि एट एन अर्ली एज माय ब्रदर जॉइन्ड आफ्टर माय फादर, और नाउ ही इज इलेक्टेड फॉर द 3rd time। अभी मेरे छोटे भाई पहली बार जीत के आए, सो आई सी इनफ पॉलिटिक्स इन द फैमिली थ्रू देम। सो नहीं, बट उनसे पहले यू डिसाइडेड टू बी एन एक्टर? बिफोर आई बिकेम एन एक्टर माय एल्डर ब्रदर ऑलरेडी ग्रास रूट पे काम कर रहे थे। और यू शुड डू अ फिल्म आज का MLA रीमेक, वो तू ही बनाना अभी वापस। आज का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सही आंसर। आप दोनों को मिलते हैं 10 marks। चलो क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सा विलेज या टाउन इंडो पाक बॉर्डर के इंडियन साइड पर आता है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वागा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी तुरतुक, ऑप्शन डी पोखरण। आपके 45 seconds शुरू होते हैं अब। ये क्या है तुम लोग का चीटिंग? मैं तबला बजा रहा हूँ। तो आप दोनों के अलग अलग आंसर्स हैं यहाँ। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। ये इसको पता है क्योंकि आर्मी की है। दोनों में से किसी ने वागा नहीं लिखा? नहीं, और मैं कब से ये कर रहा था। करेक्ट है, नहीं लिखा क्योंकि वो गलत आंसर होता। वागा उस तरह कर रहा था। पोखरण क्यों लिखा आपने रकुल? बिकॉज आई नो दैट काफी बार आर्मी पोखरण में डिप्लॉयड होती है, that's why I thought वो deployed होती है तो इंडियन साइड में ही होगा। आपने लिखा अटारी? हाँ। क्यों? Because वो होता ना वागा बॉर्डर अटारी, दोनों एक साथ आते हैं तो इंडियन साइड पे। वाह, तो इनमें से एक सही आंसर है। आई थिंक पोखरण का। एक को मिलेंगे 10 marks। और सही मैं हूँ। और वो सही रितेश है, 10 marks। Let's go to question 4. लोकमान्य तिलक ने कम्युनिटी गैदरिंग्स को बढ़ावा देने के लिए कौन से त्योहार को पॉपुलराइज किया था? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुड़ी पड़वा, ऑप्शन बी दही हांडी, ऑप्शन सी गणेश उत्सव, ऑप्शन डी दिवाली। आपके 45 seconds शुरू होते हैं अब।
फिर आप दोनों ने अलग अलग जवाब दिए हैं। तो ये गलत है। इन्होंने क्या गुड़ी पढ़ा लिखा? इसने लिखा है दही हांडी। गणेश विसर्जन में वी ऑलवेज कीप सेइंग कि एनवायरनमेंट को खराब मत करो, बट तो लोकमान्य तिलक के टाइम पे एनवायरनमेंट अच्छा था। हाँ मतलब तो मैंने बट इट्स दिवाली में भी सेम चीज गुड़ी पड़वा से। सार्वजनिक गणेश उत्सव उन्होंने शुरू किया था। आपका आंसर सही है रितेश, आपको मिलता है 10। वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम 5 या 10 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा करना मना था, तो इन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो सके और जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उस बहाने मिलकर कैंपेन अपना डिस्कस करते थे नेक्स्ट मूव। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमें रितेश ने दी है। आपने दही हांडी खेला है रकुल कभी? नहीं, मैंने अटेंड किया है। मैंने खाया है। हांडी में खाया? हांडी में बहुत सारा दही था, इतना सारा दही मक्खन वो इन्होंने खाया। क्वेश्चन नंबर 5, ये रकुल को आना चाहिए। इन में से कौन सा स्नो व्हाइट के 7 ड्वार्फ्स में से एक है? ऑप्शन 1 गूफी, ऑप्शन 2 बैडी, ऑप्शन 3 मर्फी, ऑप्शन 4 डोपी। जहाँ चार आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। जहाँ चार यार मिल ए, क्या ये, ये रंगी। मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना मेरे मेरे आर्टिस्ट है दोनों, मेरा फर्ज बनता है। डोपी डोपी डोपे भाई, आपका टाइम जा रहा है। डोपी डोपी डोपे आई वुड से आ गया। नहीं आएगा, चीटिंग हो रही है यार। डोपी तो मुझे जिंदगी में नहीं आता। डोपी तो तुझे क्या लगता? मर्फी? मैं मर्फी बोल देता। मर्फी, डिड यू चीट और डिड यू नो डोपी? आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन मर्फी एंड डोपी, एंड टू बी ऑनेस्ट व्हेन ही सेड चार यार मिले, मैंने कहा चलो हो सकता है डोपी हो। ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है क्योंकि मरजावा में रितेश ग्रम्पी ड्वार्फ बने हुए हैं। ओहो, सर विलेन ड्वार्फ है ये, कैसे आपने सूझा? मुझे ना बहुत साल पहले मैंने सुना था कि सुभाष घाई जी एक फिल्म बना रहे थे देवा अमित जी के साथ, इसमें लिलीपुट जी विलेन थे और वो फिल्म शेल्व हो गई और वो कभी हुआ नहीं। तो आई थॉट कितना कूल आइडिया कि एक विलेन है जो यू नो 3 फुट का है, 3 फुट का कमीना लेकिन 6 फुट की अकड़। ये थॉट आ गया दिमाग में और आई वाज इंस्पायर्ड बाय दैट एंड ऑफ कोर्स पीटर डिंकलेज इन गेम ऑफ थ्रोन्स आल्सो। सो देन मेरी जिंदगी के रावण को मैं जाके मिला। तो मतलब पहली बार यू आर प्लेइंग, आप नॉट पहली बार तो नहीं विलेन प्ले कर रहे हो, लेकिन सेकंड टाइम। पहली बार भी मिलाप ने लिखी थी एक विलेन की कहानी एंड ही नरेटेड द आइडिया टू मी। और दूसरी बार ऑल्सो आई एम हैप्पी दैट, क्या होता है कि जिंदगी में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर आपको कुछ अलग करने को मिलता है। एंड हालांकि बहुत सारी कॉमेडीज हो गई तो एक विलन के बाद आई वांटेड टू समथिंग एक्साइटिंग एंड दिस वाज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर मी। रकुल, तुम कभी नेगेटिव रोल करोगी? आई वुड लाइक टू। आई थिंक अभी इंडस्ट्री इतना चेंज हो रही है वेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग, इनफैक्ट आई थिंक नेगेटिव रोल्स को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड एक वो क्रेजीनेस आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते ना, एंड टुडे पीपल आर रेडी टू सी दैट एक्सपेरिमेंट। वैसे हम काफी लोगों को जानते हैं जो रियल लाइफ में भी करते हैं वो क्रेजीनेस। एनीवे, राइट आंसर है आप दोनों का डोपी। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। टोटल स्कोर्स ऑफ राउंड वन आर रितेश 50 मार्क्स आउट ऑफ 50, रकुल 30 आउट ऑफ 50, बाका पे द नेक्स्ट वन ओनली बिकॉज ऑफ द चीटा हेड बॉय ओवर हियर। हिंदी बारी का मर गया ये। मैडम मस्ती ये क्या है? अरे मैडम आप जब देखो हमें देख के ना एकदम ऐसा सिर पकड़ लेती हैं, आपकी जिंदगी में पता क्या कम है? तेरा गला पकड़ूं? मैडम गला तो आप पकड़े ही रखी हैं, आपकी जिंदगी में मस्ती नहीं है, ग्रैंड मस्ती नहीं है, सर आए हैं सीख लीजिए। क्या चाहिए तुझे? खोलते हैं हम ज्ञान का ढाबा क्योंकि आ गए हैं तिवारी बाबा। रितेश सर। जी सर। सर हंस दीजिए सर, कमाल है सर आप। सर अच्छा मतलब छोटा सा सवाल नहीं है, बस ऐसी बात एक पूछनी है आपसे। आप इतने कूल हैं, मस्ती करते हैं, ग्रैंड मस्ती करते हैं, ग्रेट ग्रैंड मस्ती करते हैं, सब फिल्में हाउसफुल होती हैं, घर पे जाते हैं तो जेने लिए मैडम कहती हैं हे बेबी तेरे नाल इश्क हो गया। अभी ये मतलब सारा का सारा जो इतना धमाल, टोटल धमाल, डबल धमाल करते हैं, इसके पीछे क्या राज है जरा बताइए सर हमें। सुखी पारिवारिक जीवन।
वाह वाह, यही राज। अगर आपको हमारी बात थोड़ा ठीक लगती हो तो आप हमें पीटिएगा मत, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तिवारी बाबा जी की जय। तिवारी, इससे पहले कि मैं तुझे स्कूल से ब्लॉक कर दूं और अनसब्सक्राइब कर दूं, जा और ब्लैक बोर्ड लेके आ। मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती। चलो भाई, इट्स टाइम फॉर द सेकंड टेस्ट विच इज अ रिटन टेस्ट। इस राउंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल, दोनों स्टूडेंट्स एक साथ आंसर्स अपने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। क्वेश्चन वन, आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर है मैथ्स का एक क्रॉसवर्ड पजल। इस क्रॉसवर्ड पजल को सही नंबर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर्स डालने हैं। चालू करें? और 45 सेकंड में कंप्लीट करना है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। ये बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों के। आप दोनों को मिलते हैं 10 मार्क्स। अगर ये भी नहीं आता तो बहुत बेहतर, क्योंकि इससे इजी पजल तो मेरे बच्चे भी कर लेते हैं। टू मच प्रेशर दिस इज, वो बहुत ज्यादा प्रेशर, दिस इज लाइक, मैं तो डर रहा हूं मुझे स्पेलिंग वाला आएगा तो मैं तो ऑनलाइन वाली। क्वेश्चन नंबर टू, अब हम जाते हैं रितेश का फेवरेट स्पेलिंग टेस्ट की ओर। स्पेलिंग में ये मास्टर है बेटा। स्पेलिंग की स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग। अब आपको लिखनी है इस वर्ड की स्पेलिंग 45 सेकंड्स में। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया। ओह गॉड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई वुड से स्टार्ट डांसिंग बोथ ऑफ यू। लेट मी ट्राई। अटेम्प्ट तो कर। क्या क्या क्या? स्किज़ोफ्रेनिया, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। वाह वाह, देखने दीजिए। शहनवाज लिखा है इसने, क्या लिखा है? नहीं, शिज़ोफ्रेनिया। और आपने क्या लिखा है? सी किड्स, सी किड्ज़ोफ्रेनिया। अटेम्प्ट अच्छा था। आई वाज क्लोजर। यू वर क्लोजर। गॉड, मुझे तो कभी नहीं आता ये। क्योंकि जो प्रॉब्लम खुद को ना हो उसके बारे में क्यों पढ़ना। जिनको है उनको सही आता है, दैट्स फाइन। मुझे और बारे में बात किया। नो नो नो, जिनको बट ये बहुत तो प्यारे वे में लिखा है उसने, सी किड्ज़ोफ्रेनिया। इट्स अ पंजाबी स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। तो आपको दोनों को हाई प्रोटीन अंडे मिलते हैं, लेकिन अगर आप मुझे सिड्यूस करें तो आपको मैं 5 लगाओ गाना। रितेश, आपको इस माइंड ब्लोइंग डांस के 5 ग्रेस मार्क्स मैं देती हूँ। मुझे अटेम्प्ट के मिलने चाहिए। अगर आप मिलाप के साथ ये डांस करोगे तो मैं आपको 10 मार्क्स दे दूंगी। वेल डन, आपको मिलता है 5 पॉइंट। और चले हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंडिया में जो 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है उनके नाम लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। माय गॉड, दे नो दिस। वैसे ट्विस्ट ये है कि कहते हैं 7 बट इट इज 8 स्टेट्स इन 7 सिस्टर्स, बट ओके आप 7 भी दोगे मुझे बहुत है।
या टिक करो. अरुणाचल प्रदेश करेक्ट. आसाम असम मेघालय. मणिपुर क्यों कैंसिल कर दिया आपने? मणिपुर भी आठ में ना. हाँ लिखा आठवा है ना. हाँ मेरे पे इसने लिखा था फिर इसने कैंसिल कर दिया. मिजोरम. मिजोरम यस. नागालैंड यस. एंड त्रिपुरा यस. कितने हो गए? कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः. आपके हुए एक दो तीन चार पाँच छः. ठीक है तो आप दोनों को 10 मार्क्स देती हूँ मैं. वैसे सिक्किम भी राइट है क्योंकि अभी अभी ऐड हुआ है सिक्किम. अब है एक मैच टेस्ट. मैच में क्या हाल है सबका? हीरो या जीरो? मैं जो नंबर्स कह रही हूँ आप लोग वो नंबर्स लिखो. जी जी. 1 5 9 8 8 1 7 3 0. अब लिखकर बताओ कि इस अमाउंट को चेक पे कैसे लिखा जाएगा इन वर्ड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इन वर्ड्स लैक्स का स्पेलिंग देख लो. माशाल्लाह लैक्स क्या है? सी. इसका लैक में लैक्स हो रहा है. हर्ती. पढ़ के बताओ मुझे रकुल क्या लिखा है. 15 crores 98 lakhs 81,730. आपका? 15 crore 98 lakhs 81,730. ये मिलाप आपकी नेक्स्ट पिक्चर की रेम्यूनरेशन है. दोनों को मिलता है 10. आपके मुंह में जो आप चाहें. घी शक्कर ही चलेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. अब हम एक स्पेलिंग टेस्ट करेंगे बिकॉज आई लव योर स्पेलिंग. आई जस्ट लव इट. ओ गॉड. अब हम हिंदी की स्पेलिंग टेस्ट करेंगे. ओह माय गॉड. लिखो द स्पेलिंग ऑफ प्रतिक्रिया. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्रतीक बब्बर मत लिख देना. मिलाप को देखे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छा आप देखा वो वापस वॉक करो. वॉक करो. आप दोनों को मिलते हैं 10 मार्क्स. आज पॉइंट देते तो फिर से सीड्यूस करता. नहीं. ओके कर ले. लगाओ. आए मैं मर जाऊँ. रितेश को 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले फॉर हिज सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस. सिंटिलेटिंग एक्चुअली. स्किंटिलेटिंग. यू आर शोइंग स्किन एंड यू स्टिटिलेटिंग. स्किंटिलेटिंग. लेके आओ एक्टिविटी टेबल. आई एम लविंग दिस स्कूल. रेडी? तो प्रैक्टिकल टेस्ट नंबर 5. आपको मिलेंगे ये टेबल पे पड़े हुए डोमिनोज. आपको इन्हें यू शेप में अरेंज करना होगा इन 45 सेकेंड्स. उसके बाद उसको गिराना होगा और जिसका भी एकदम परफेक्ट चेन में गिरता है वो जीतेगा 10 मार्क्स. रेडी? आपका टाइम शुरू होता है अब. रकुल आओ और ऐसे गिराओ उसको. मिलाप यू वांट टू ट्राई? शायद चल जा. यू विल हिट तो शायद सारे गिर जाएं. मिलाप आए तो दोनों कैमरा. मेरा कैरम नहीं है ये. अगर मैंने मारा तो क्या पता दोनों गिर जाए. कम ऑन कम ऑन. ये गलत मारा है. ऐसे भी तो मारना था. रितेश आई थिंक आप आई डू रितेश नो नो डू ही डू. वो मैं रकुल को 5 मार्क्स देती हूँ क्योंकि एटलीस्ट यू इसने करेक्ट बनाया था. करेक्ट. और ये इसने इसकी इसकी भांजी मार दी. आपको मिलते हैं 10 मार्क्स. तो दूसरे राउंड के स्कोर है रितेश 65 और रकुल 45. तो इसका मतलब है दोनों राउंड के ओवरऑल स्कोर है रितेश नहीं 115
रकुल 75 बकअप, कम ऑन, वेरी बैड. याद रहे अब आपके पास सिर्फ एक ही चांस बचा है, मतलब इवन होने का, विच इज अ स्पीड टेस्ट. सोचो हार गए तो घर पे क्या मुंह दिखाएगी रकुल. यही खूबसूरत मुंह दिखाएगी. बोल गए. चलो अब हम जाते हैं स्पीड राउंड की ओर. क्वेश्चन नंबर वन. अगर पत्र पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या है? रितेश. पत्रिका. दोनों ने साथ में बजाया था. No, I think पहले रितेश ने बजाया था. 100% सही आंसर है पत्रिका. आपको मिलते हैं 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर टू. टीचर्स डे किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? फराह के. तू ही बोल. आई एम नॉट श्योर. बेइज्जती हो जाएगी मैं. कोई बात नहीं, -5 भी होंगे. रामा कृष्ण. काफी क्लोज है आप. रामा को चेंज करो. कृष्णा की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? राधा. राधा कृष्ण. वेल गिव इट 10 मार्क्स. चलो राइट आंसर इज सर्वपल्ली राधा कृष्णन. क्वेश्चन नंबर थ्री. दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? रितेश. एशिया. यूरोप. यूरोप. एशिया. ओके सॉरी. यूरोप जाने की इच्छा है इसलिए. नहीं नहीं नहीं. ठीक है ना, इसमें क्यों कुछ इनको मार्क्स मिल गए. हो गया 10 मार्क्स. 10 मार्क्स. क्वेश्चन फोर. किस स्वतंत्रता सेनानी ने डू और डाई स्लोगन दिया था? लड़ेंगे या मरेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी. सही आंसर है. डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी जी ने. मरो या अल्लाह, मैं तुम्हें खून दूंगा. नहीं वो अलग है. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. नेताजी. आप बहुत लकी हैं, आपके 5 मार्क्स माइनस होते हैं. 5 नहीं, इसके लिए 50 मार्क्स माइनस करने चाहिए. तो 50 मार्क्स कर दो माइनस. प्लीज प्लीज कर दो. उन्होंने खुद ही मांगा इतने प्यार से. इच्छा होती है, दूंगा नहीं. क्वेश्चन 5. 2019 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू. आपको मिलते हैं 10 मार्क्स. तो अब मैं आपको फाइनल स्कोर्स बताऊं और इस स्कोर्स के टैली पे हमें पता लगेगा कि मेरी कवेटेड क्लास ऑफ 2019 का इस एपिसोड का बैक बेंचर कौन है. राउंड 3 के स्कोर्स है. रितेश 15 out of 50, रकुल 20 out of 50, विच मीन्स इनके ओवरऑल स्कोर टोटल ऑल 3 राउंड के रकुल 95. वेल डन. और जी हाँ, हमारा आज का विनर ऑफ बैक बेंचर्स है. जी हाँ, मैं कल लाया. रितेश देशमुख, यू आर नाउ ऑफिशियली अ बैक बेंचर 2019. मुबारक हो. मुबारक हो. मुबारक हो. आप मेरी स्कूल में एडमिशन आपको मिल गई है. रकुल वेल डन. थैंक यू. वेल प्लेड. अगर इस हेडमास्टर ने चीटिंग नहीं की होती. अब मैं आपको दूंगी आपके रिपोर्ट कार्ड. आइए यहाँ रकुल प्रीत, आपका रिपोर्ट कार्ड. शुड ट्रैवल मोर टू नो ज्योग्राफी. रिमार्क्स हैं डीन के. ए सिंसियर स्टूडेंट एंड डीन फाइंड्स अ वेरी प्रिटी. और रितेश जी आपके डूइंग ग्रैंड मस्ती इन क्लास. हेड बॉय हेल्प्ड इन चीटिंग. सेड्यूसेस अ डीन. डू इट मोर ऑफन. Can be considered as class monitor. और अब आपके बालों की वाट लगने वाली है. ये आपकी डिग्री सर्टिफिकेट. मुबारक हो हमारे बैक बेंचर के एपिसोड के. जैसे आप जानते हो मैं डीन हूँ,
लेकिन मैं डांसिंग क्वीन भी हूँ. क्या बात है. तो यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स में एक टिकटॉक स्टेप आपको करना पड़ता है बैक बेंचर्स पे. आज पहली बार मिलाप भी वो स्टेप करेंगे हमारे साथ. उसके बाद टिकटॉक बंद हो जाएगा. लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की. लगने वाली क्लास यहाँ, बड़े बड़े सितारों की. तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है. मिलते हैं अगले हफ्ते नए बैक बेंचर्स स्टार्स के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि लाइफ इज अ लेसन माय फ्रेंड. टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स. मजा आवा.